नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं शॉर्टकट जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं, एलसीएम और एससीएफ। वैसे तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत टाइम लेना पड़ता है इनके लिए। अब आपको 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 की पावर 2 से, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब में देखिए कि कॉमन क्या है। 2 2 2 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 3 3 3 इसमें नहीं है तो 3 कॉमन नहीं है। फिर 5 तीनों में है, 5 कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट 7 7 7 7 कॉमन है। अब उसके बाद आती है बात, आती है पावर्स की, कि पावर कौन सी यूज करें। तो पावर जो हम यूज करते हैं, हमेशा यह ध्यान रखें कि जो 2 में सबसे छोटी पावर होगी उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी एंड यहाँ 3 थी, तो सबसे छोटी 2 हो गई। ऐसे ही 5 में देखेंगे तो सबसे छोटी पावर 1 है, तो 1 के लिए ऐसे ही रखेंगे। और 7 में देखेंगे तो सबसे छोटी पावर है 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 एंड ये हो गया हमारा 49, ये हो जाएगा 20 एंड 49। तो आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 980। अगर हम इस तरीके से इसे सॉल्व करने बैठते तो शायद बहुत टाइम लग जाता, 4 से 5 मिनट तक लग जाते, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो 4 से 5 सेकंड में भी हो जाएगा। अब हम ना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फ्रैक्शन टाइप का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड एससीएफ एंड एलसीएम बोथ। एससीएफ और एलसीएम हमें दोनों निकालना है। ये कुछ फ्रैक्शन दी गई है, भिन्न 2/3, 8/9, 16/81 एंड 10/27। तो सबसे पहले अगर हम एससीएफ निकालने की बात करें तो एससीएफ के लिए हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स इनका एससीएफ निकालना है और नीचे वालों का एलसीएम करना है, डिनोमिनेटर्स का एससीएफ। तो 2/8 यानी एससीएफ ऑफ 2/8, 16 एंड 10 अपॉन एलसीएम ऑफ 3/9, 81 एंड 27। अब जो इन सब का एलसीएफ होता है वो होता है हमारा 2 और इन सब का एलसीएम होता है 81। तो हमारा जो ये सारी फ्रैक्शन थी इसका एलसीएफ क्या आ गया, 2/81। बात अगर एलसीएम की जाए तो एलसीएम के केस में उल्टा हो जाता है, सेम ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे यानी एलसीएम ऑफ 2/8, 16 एंड 10 एंड डिनोमिनेटर्स हर का इनका निकालेंगे हम एससीएफ, एससीएफ ऑफ 3/9, 81 एंड 27। तो ऊपर जो एलसीएम हो जाएगा इन सब का ये हो जाएगा 80 और एलसीएम, और इनका जो एससीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो अगर हम एससीएफ देखें तो इस फ्रैक्शन इन सब फ्रैक्शन का एससीएफ है 2/81 और इन सब फ्रैक्शन का एलसीएम है 80/3। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।